नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। कांग्रेस का G23 असल में कांग्रेस को गांधी मुक्त करने की कवायद का नाम है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पिछले 70-72 सालों में अगर हम देखें तो ये ऐसा प्रयास तीसरी बार दिखाई देता है। सबसे पहला प्रयास हुआ था साल 1969 में, हालांकि इस प्रयास की बुनियाद 1964-65 में ही पड़ गई थी। ये प्रयास था मोरारजी देसाई की तरफ से, तब उन्होंने कांग्रेस को दो फाड़ में बांटते हुए एक कांग्रेस संगठन और एक कांग्रेस इंदिरा बना दी थी। ये प्रयास कितना सफल हुआ था, इतिहास इसका गवाह है। बहरहाल, अनेक प्रयासों के बाद भी मोरारजी देसाई इंदिरा की कांग्रेस को मात नहीं दे पाए, हालांकि वो प्रधानमंत्री बनने में कामयाब जरूर हुए, पर कांग्रेस की तरफ से नहीं। दूसरी कोशिश हुई है नरसिम्हा राव के वक्त। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बनाए गए तो ये बात थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी और को दे देंगे, लेकिन उन्होंने 1996 तक यह पद अपने पास ही रखा। फिर उन्होंने अपने खास सिपह सालार सीताराम केसरी को इस पद पर बिठा दिया। उसके बाद क्या हुआ वो आप सभी जानते हैं। तीसरी कोशिश G23 के रूप में दिखाई देती है, लेकिन G23 फिलहाल में कुनबा बिखरा बिखरा सा नज़र आ रहा है। इसके जो 23 नेता हैं उनमें से 4 नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इनमें जितेंद्र प्रसाद भाजपा में चले गए हैं और योगानंद शास्त्री NCP में जा चुके हैं। आज की बात है कपिल सिब्बल की, जो सपा में जा चुके हैं। इनके अलावा अब ये जो है सिमट करके G19 तक रह गया है, क्योंकि शशि थरूर बैक कर चुके हैं। जबकि फिलहाल में जो कमेटियां बनी हैं कांग्रेस की, उनमें गुलाम नबी आज़ाद को जिस तरह की तवज्जो मिली है उससे ये लगता है कि शायद G23 का कुनबा अब G18 रह जाएगा। आज की पड़ताल इसी पर। भारत के पहले प्रधानमंत्री की अचानक मौत हो जाती है, सत्तारूढ़ दल के सामने नए नेता का संकट खड़ा हो जाता है। एक शख्स जो स्वतः ही इस पद का दावेदार था, अचानक दरकिनार करते हुए कार्यवाह प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा और फिर लाल बहादुर शास्त्री का नाम आ जाने से तिलमिला उठता है, लेकिन सामने शास्त्री जैसे सौमिल चेहरे के कारण कुछ कह नहीं सका। फिर एक बार ताशकंद में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है। इस वरिष्ठ नेता के सामने फिर एक बार भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका होता है, लेकिन नेहरू की बेटी इंदिरा को आगे कर दिया जाता है। यह वरिष्ठ नेता फिर चुप जाता है। अब की यह नेता अपने साथियों के साथ मिलकर 12 नवंबर 1969 को बगावत का बिगुल फूंक देता है। इस नेता का नाम है मोरारजी देसाई। देसाई कांग्रेस संगठन नाम का नया दल बना लेते हैं। इस पूरी स्क्रिप्ट के सरताज थे दक्षिण भारत के बड़े चेहरे के कामराज। लगभग 17 साथियों के साथ कांग्रेस संगठन तैयार किया जाता है। तब के विपक्षी दल इस टूट से फूले नहीं समाते, लेकिन इस टूट का असर ये होता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 705 सदस्यों में से 446 इंदिरा गांधी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। मोरारजी अब तक बहुत आगे बढ़ चुके थे, उनका मकसद भी बदल चुका था। अब वे प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि इंदिरा गांधी को हराने के लिए मैदान में थे। साल 1971 के चुनाव में मोरारजी के संगठन ने 10% वोटों के साथ 16 सीटें हासिल की, लेकिन इंदिरा गांधी की कांग्रेस को 44% वोटों के साथ 352 सीटों से कोई न रोक सका। मोरारजी की कांग्रेस अंततः 1977 के चुनावों में और कमजोर हो गई। यहाँ महज वह 13 सीटों पर आ सिमटी, इसका वोट परसेंट सिर्फ 5% रह गया। तब मोरारजी ने राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी के मर्जर से बनी जनता पार्टी में अपनी पार्टी के मर्जर का ऐलान करके प्रधानमंत्री बन गए। यह किस्सा बताता है कि कांग्रेस से गांधी परिवार को बेदखल करने की G23 की कोशिश कोई नई नहीं है। एक कोशिश 1969 में मोरारजी देसाई के रूप में हो चुकी है। दूसरी कोशिश 1991 में हुई, जब राजीव गांधी नहीं रहे, और अब फिर वही कोशिश असल में चल रही है। राजीव गांधी तमिल में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, अचानक वहां एक धमाका होता है और 1984 में देश में अब तक के
इतिहास की सबसे बड़े बहुमत की सरकार के मुखिया राजीव गांधी इसमें मारे जाते हैं। देश भर में सन्नाटा छा जाता है। कांग्रेस चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन उसके पास नेता का संकट उभरता है। उस वक्त सोनिया गांधी राजनीति में नहीं थी, राहुल प्रियंका छोटे थे। ऐसे में एक विकल्प बनकर उभरे आंध्र प्रदेश के पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो शर्त ये रखी गई कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी और को दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपने 5 साल के कार्यकाल में गांधी परिवार के किसी सिपह सालार या खुद गांधी परिवार को नरसिम्हा राव ने सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं भटकने दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता था अब गांधी परिवार की वापसी मुश्किल है, लेकिन 1996 में पार्टी के प्रदर्शन के बाद फिर गांधी परिवार इकट्ठा होता है और कांग्रेस में एंट्री होती है सोनिया गांधी की। तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को अपमानित करके पद से हटाया जाता है। हारी पार्टी के नरसिम्हा राव भी हारे से नजर आते हैं। टुकड़ों टुकड़ों को जोड़कर सरकारें बनती हैं। 1996 में महज 13 दिन की सरकार गिराकर देवगौड़ा और गुजराल किसी तरह से साल भर सरकार को खींचते हैं। अंततः फिर चुनाव होते हैं और अब की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अस्तित्व में आती है। लेकिन सोनिया अब तक पार्टी पर पूरी तरह से पकड़ बना चुकी थी। 1996 में कांग्रेस के प्रदर्शन से लगभग ही प्रदर्शन कांग्रेस ने सोनिया के नेतृत्व में 1998 में किया था, लेकिन यह चर्चा में नहीं आया। जिस कारण से सीताराम केसरी से अध्यक्षी छीनी गई थी, नरसिम्हा राव की उपेक्षा की गई थी, वह कारण सोनिया के अध्यक्ष बनते ही चर्चा से बाहर हो गया। तब सोनिया गांधी के हाथ में आई कांग्रेस अब राहुल के हाथ में जाने को फिर से तैयार है, लेकिन इस बार फिर रोड़ा बन रहा है G23। दरअसल जब भी पीढ़ियों का हस्तांतरण हुआ है तो इस तरह का फ्रैक्शन नज़र आया है। पहला फ्रैक्शन जब आया था तब भी यही वजह थी। जवाहरलाल नेहरू के अचानक दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद जो रिक्ति पार्टी के अंदर आई थी, उस रिक्ति को मुरारजी देसाई अपनी तरफ से भरना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी उस वक्त तैयार नहीं थी। और फिर सबके सामने है हुआ क्या। दूसरा फ्रैक्शन भी तभी आया था जब पार्टी इंदिरा गांधी से राजीव गांधी और राजीव गांधी से सीधे सोनिया गांधी की तरफ बढ़ रही थी। यानी कि जब जब भी पार्टी में गांधी परिवार के सदस्य ने कोई भी हस्तांतरण हुआ है, तभी इस तरह के जो हैं झंझावात खड़े हुए हैं। अब जो ये तीसरा फ्रैक्शन है वो भी तभी आया है जब राहुल गांधी बतौर अध्यक्ष लगभग पार्टी में फेल नज़र आ रहे हैं, तो G23 का कुनबा इकट्ठा हुआ और वो उनको चैलेंज करने लग गया। लेकिन अब ज़रा इसमें फ़र्क है। आप फिर से वापस जाइए 70 के दशक में, जब इंदिरा गांधी नेहरू से सत्ता को ले रही थी। उस वक्त इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को 2 भागों में ज़रूर बंटने दिया, लेकिन उसके बाद करीब करीब 3 बार वो फिर से सरकार में आई। यानी कि इंदिरा गांधी ने अपने आप को ये सिद्ध भी किया कि मैंने जो बंटवारा किया है और जो बंटवारा करने वाले थे उनमें फ़र्क है, असली पार्टी मैं हूँ। ऐसा ही हुआ इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी। राजीव गांधी ने भी अपने आप को सिद्ध किया और राजीव गांधी के बाद जब सोनिया गांधी के हाथ में कमान आई तो सोनिया गांधी ने भी सिद्ध किया कि असली पार्टी असल में गांधी परिवार ही है, क्योंकि वो जब आई उसके बाद से पार्टी करीब 10 सालों तक सत्ता में रही है और अच्छे खासे सीटों के साथ। इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो 3 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, इनमें बेसिक फर्क ये है कि जो राहुल गांधी का हस्तांतरण है, इस हस्तांतरण में यही एक बड़ा गैप नज़र आ रहा है। राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार लगातार पार्टी विभिन्न राज्यों में हार रही है, केंद्र में हार रही है और अब बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी के पास ये सिद्ध करने को नहीं है कि असली पार्टी राहुल गांधी है। G23 असल में इस बात का ही प्रमाण है। इस बार का जो झटका है इन मायनों में थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। अब बने रहिए आप खबर बेबाक के साथ ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।